नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अहम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष मोहन शर्मा जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं अवनीश राजपूत जी, जो कि सपा नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष मोहन शर्मा जी, आपसे एक सवाल है हमारा। जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो घरेलू गैस के ले लो आप, चाहे पेट्रोल की ले लो, इस पर क्या कहेंगे आप? पुष्पेन जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत टीवी का और सभी संवाददाताओं का कि इस मंच पे हमें बोलने का मौका दिया। और आज एक मुद्दा आपने उठाया है युवा बेरोजगारी का, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मुद्दा आप लेके आए हैं। अब बात करें आप युवा बेरोजगारी की, तो युवा आजकल बेरोजगार है ही कहाँ, पहले तो ये बता दें आप लोग हमें। हमारे साथ हमारे सपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे और इनके भी जवाब लेंगे। लेकिन पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये बता दें कोई हमें कि आजकल युवा बेरोजगार कहाँ है। इसका जवाब देंगे हमारे अवनीश राजपूत जी। आशीष मोहन शर्मा जी की बात का जवाब दीजिए भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं भारत न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देखिए, आपका जो मुद्दा है वो दो चीजों पे है, बेरोजगार को और महंगाई को जी। आशीष जी ने बोला है खाली बेरोजगारी पर बोला है कि बेरोजगारी कहाँ है। मैं पूछता हूँ रोजगार कहाँ है, कोई ऐसी योजना बताइए कि जहाँ सरकार रोजगार दे रही है। आईटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह उत्तर प्रदेश में चल रहा है। दूसरी बात आती है महंगाई पे। महंगाई जब ये सरकार आई थी और अभी पहला वाला मुद्दा खत्म नहीं हुआ बेरोजगारी वाला, जिस तरह आपने देखा सरकार ने दावा किया हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मैं कह रहा हूँ 20,000 भी रोजगार अगर ढंग से दे दिए हो इन 7 सालों में, केंद्र सरकार हो गए, 4 साल प्रदेश सरकार हो गए। अवनीश जी, हमने एक रियलिटी खत्म नहीं हुई है जी। और मैं देखना चाहता हूँ, जैसे कि हमने हमेशा से कॉमर्स में बीबीए एमबीए में पढ़ा हुआ है कि डीजल के रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं महंगाई के। जब जब डीजल के दाम बढ़ेंगे, जो नॉन कॉमन कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ेंगे। और हमने देखा किस प्रकार सरकार ने अभी कुछ प्रकार कुछ दिन से डीजल के दाम वैसे भी डेली बढ़ रहे थे, पेट्रोल कंपनियों को उन्होंने अथॉरिटी दे दी उसके दाम बढ़ाने की, और पर सरकार ने अभी 4 रुपये और बढ़ा दिए डीजल पे। बताइए 4 रुपये से कितना भारी बोझ पड़ेगा हर हर वर्ग के लोगों पे। सबसे ज़्यादा अगर चलिए निम्न वर्ग तो चलो परेशान है ही, मध्यम वर्गीय परिवार भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो उनकी जेब पे इतना 4 रुपये से हम बात करें 4 रुपये से डीजल बढ़ने का, इससे जो आम आदमी की जो जेब पे बोझ पड़ता है बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सरकार बेरोजगार तो वैसे भी बेरोजगारी में नंबर 1 सरकार चल रही है, दूसरा महंगाई में भी नंबर 1 चल रही है। अवनीश जी, जैसे कि अभी आशीष जी कह रहे थे कि कहाँ लोग बेरोजगार हैं, जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो इटावा सासी चौराहे पर जो मजदूर लोग खड़े होते हैं, तो जब रियलिटी चेक किया गया तो वाकई में वहाँ ऐसे भी लोग थे जो बीटीसी बीएड ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हुए हैं और वो 300 रुपये मजूरी पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन वो सपा सरकार में बीए बीएड किए बैठे हैं, जिन्होंने जैसे 60% से अब मुद्दा या हालांकि उठाया है तो बताना जरूरी है, जैसे 60% से भर्तियां निकलती हैं तो सपा सरकार की मार्कशीटें 90% की हैं। तो जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, अब हालांकि समाजवादी कह दो चाहे परिवारवादी कह दो, जब 90% की मार्कशीटें लोगों के पास रखी हैं तो 60% के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका नंबर तो तब आएगा जब परिवारवादी के लोग अपना कोठा पूरा भर सकें। क्या कहेंगे अवनीश जी? देखिए मैं कहना चाहता हूँ चाहे 60% हो चाहे 90%, ये तो एक अच्छी बात है कि 90% सरकार में 90% लोगों, लेकिन वो 90% अरे बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए कि अगर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसका मतलब सरकार ने उसमें अच्छी शिक्षा लोगों को प्रदान करवाई। और पिछले हमने ये बात डिग्री की नहीं है, कब किसने डिग्री ली, कौन कब पास हुआ है, बात रोजगार की है। चाहे कोई भी कब पास हुआ हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करे। और सरकार ने हमने किस प्रकार देखा, सरकार ने सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं सरकार धीरे धीरे, और हमने किस प्रकार देखा कुछ पिछली कुछ भर्तियों में कि उनकी भर्तियों में पीएचडी लोगों का फॉर्म भर रहे हैं और वो भर्तियां ही कैंसिल हो गई है। बताइए अब इससे निम्न स्तर किसी भी पूरे दुनिया विश्व की बात करता हूँ, इससे निम्न स्तर किस देश का होगा कि जहाँ पे प्यून की भर्ती में पीएचडी लोग अपने आवेदन कर रहे हैं। बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी में अगर सफाई कर्मचारी का भी फार्म डलता है तो आप लोग भी ये चीज़ देखते होंगे कि लगातार उसमें बीटीसी बीएड जो हाई फाई कोचिंग कर रहे हैं, हाई फाई
तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आकर सफाई कर्मचारी का फॉर्म डाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे अमनीश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो सरकार की विफलता दर्शा रही है ना, कि अगर प्यून का भी अगर आवेदन मांगा जा रहा है और सफाई कर्मचारी का आवेदन मांगा जा रहा है, उसमें एमबीए बीटेक पीएचडी के लोग उसमें आवेदन करें, सरकार की विफलता है। पीएचडी वाला अपना अपने हक की हक के लिए क्यों नहीं, जिसका जिसने उसने पीएचडी करी है उस क्षेत्र में क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसे नौकरी ही नहीं है, उसे नौकरी दिखाई पड़े निम्न वर्ग की उसमें। आशीष जी अमनीश जी, सरकार कहीं विफल नहीं है, सरकार अपने निरंतर रूप से बढ़ रही है। और रही बात रोजगार की, तो जो व्यक्ति जो युवा असल में रोजगार की तलाश में घूम रहा है, वो रोजगार के प्रति लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की महत्वाकांक्षा, आज 95% युवा राजनीति के स्तर में बढ़ना चाहता है और राजनीति के लिए अग्रसर रहना चाहता है। और जो बात आई है रोजगार की, तो रोजगार के प्रति जो व्यक्ति जो युवा सचेत है सशक्त है, वो रोजगार के प्रति बढ़ रहा है, रोजगार कर रहा है। सरकार पे ना तो कोई टीका है ना टिप्पणी। हाँ, अब विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष किसी भी बात को लेकर ढोल पीट सकता है। तो आपकी बात हम ठीक है, आपने कहा है, हम मानते हैं, लेकिन मैं मेरे मानने से कहीं भी युवा बेरोजगार रूप से नहीं घूम रहा है। आप सोशल मीडिया शायद नहीं चेक करते हैं, आप कह रहे हैं सरकार की बात, सोशल मीडिया पे 95% युवा हमें दिखता है, डालता है डीजल बढ़ाओ चाहे मोदी कुछ भी करो, वोट देंगे तो मोदी को। तो यहाँ बात रोजगार या बेरोजगार की नहीं है, बात यह है कि ये युवा को तय करना है कि युवाओं को किस रास्ते की ओर जाना है। 95% युवा राजनीति की ओर अग्रसर बढ़ रहा है, जिसे रोजगार करना है वो अपना कमा रहा है। आशीष जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जब ये लॉकडाउन हुआ था, अमनीश जी मैं आपको चुप करना चाहूंगा, आशीष जी मेरा आपसे एक सवाल है, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो उत्तर प्रदेश इटावा औरैया कानपुर ऐसे तमाम जिले के लोग हैं जो कि दिल्ली गुजरात राजस्थान में सिर्फ रोजगार के लिए गए हुए थे और उन लोगों को यहाँ वापस पैदल आना पड़ा था। अगर यहाँ अगर इन लोगों के लिए रोजगार होता तो क्यों ये दिल्ली बम्बई गुजरात राजस्थान क्यों जाते और क्यों वहाँ से पैदल चल के आते, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्षेत्र की एक सीमा होती है, जिला इटावा है, बहुत बड़ा इटावा है, सारे अब ये सोचो जिला इटावा के सारे युवा यहाँ इटावा के भीतर संपत्ति रख सकें, एडजस्ट हो सकें, ठीक है, लेकिन किसी की क्षमताएं कम होती हैं, किसी की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। यहाँ कोई कंपनी आईआईटी या कोई भी कंपनी अगर एक युवा को रोजगार देती है 8,000-10,000 रुपये सैलरी के अंतर्गत, लेकिन उस युवा को अब उस पैसे में कोई काम या कोई फेरबदल करना है। जैसे हमें ही ले लो, हमें कोई जॉब मिल रही है 10,000 रुपये की मंथली, लेकिन हमारी आवश्यकता है 15,000-16,000 की, तो हम और रुपयों की तलाश में हम बाहर जाने का अपना मेरा खुद का फैसला होता है, ना कि हम सरकार से आवेश में आके, ना कि हम किसी और के आवेश में आके हम बाहर जाने का फैसला करते हैं। अब रही बात आपकी लॉकडाउन में वापस आने की, तो लॉकडाउन वो समय ऐसा था, भारत एक निरंतर रूप से बंद सुचारू रूप की कगार पे था, लोग परेशान थे, लोगों ने कहा कि अब लॉकडाउन हुआ है क्या होगा कैसे होगा, लोगों बहुत सरकार के सामने लोगों के सामने सभी के सामने एक विषम परिस्थिति थी, लेकिन सबका यह मानना था कि मोदी है तो मुमकिन है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित हासिल की, भारत आज सुचारू रूप से फिर प्रारंभ है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग खुली हवा में सांस लेने का कार्य कर रहे हैं, और रही बात वहां से पैदल आने की, तो व्यवस्थाएं बहुत असमंजस में थी, कुछ लोग भी ऐसे भी थे जिन्होंने पैदल आए। हाँ, उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि लोगों ने प्रॉब्लमों का सामना किया, लेकिन सरकार पे सरकार का जितना काम था सरकार ने बखूबी निभाया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने उस ब्रह्म परिस्थिति में भारत को संभाले रखा, उत्तर प्रदेश को संभाले रखा, और आज फिर भारत और उत्तर प्रदेश स्वतंत्र और सुचारू रूप से प्रचलित है। मैं रोजगार की बात कर रहा था, अवनीश जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे ये मित्र हैं आशीष जी, इन्होंने ये बोला कि रोजगार वाली बात, इन्होंने बोला कि जो आदमी जहाँ जो रोजगार करना चाहता है वो रोजगार कर रहा है। जैसे मैं पहले बोला था कि क्या पीएचडी वाला चाहेगा वो भी नौकरी करे, क्या एमबीए वाला चाहेगा वो सफाई कर्मचारी बने, क्यों नहीं मान लेते सरकार विफल है? अभी इन्होंने खुद बोला मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब ये मान लें कि ये योगी जी ये कहना चाहते हैं योगी जी है तो नामुमकिन है। तमाम युवा सड़क पर है अवनीश जी। और बात रही लॉकडाउन की, मैं आशीष जी के थ्रू ये पूछना चाहता हूँ, उनकी पार्टी के थ्रू ये पूछना चाहता हूँ, अपनी पार्टी सवाल उठाए और देश के लोग भी इस बात को जाने कि जब जब सरकार जब इस
लॉकडाउन हुआ तो 500-500 केस आ रहे थे, पूरा देश लॉकडाउन में था, कितने कर्मचारी मारे गए पैदल चल चल के। हमने खुद उनके लिए शिविर लगाए, जहाँ पर उनको भोजन करवाया, उनकी फसल व्यवस्था करवाई, कानपुर तक छोड़ा, गोरखपुर तक उन लोगों को छुड़वाया हमने। सरकार बताए कि जब 500 केस आ रहे तब इतना भयानक लॉकडाउन लगा रखा था कि आदमी पैदल चलने मजबूर था हजारों किलोमीटर, और जब देश में 1 लाख केस आ रहे थे तो खोल दिया। चलिए चलिए, आप भटक रहे हैं अवनीश जी। मेरा मतलब ये था आशीष जी और अवनीश जी से, मेरा मतलब सिर्फ यही था, अगर रोजगार अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में होता, यहाँ के जनपदों में होता, तो यहाँ की जनता बाहर जॉब करने नहीं जाती, ना वो इतनी परेशान होती। मेरा सवाल सिर्फ इतना था। नहीं, रोजगार दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? एक रोजगार गिना दीजिए मुझे, ऐसा रोजगार गिना दीजिए जिससे युवा परेशान ना हो। आज युवा सड़क पर है, युवा को जरूरत है रोजगार की, कहाँ पर है ये बता दीजिए आशीष जी। आप उत्तर प्रदेश में कहां युवा परेशान है पुष्पेन जी? उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई हालात नहीं है जहां युवाओं ने रोजगार के लिए कोई आंदोलन किया हो। युवा अपना सब मेंटेनेंस रख के अपना काम कर रहा है। हाँ, प्रोफेशनल जॉब अगर किसी को नहीं है तो वो बाहर जाने का कार्य कर रहा है, जिसकी जैसी मेंटेनिटी है वो वैसा कार्य कर रहा है। और युवा सरकार के नेतृत्व में सरकार के ऊपर बहुत भरोसा रख के युवा इस सरकार को सपोर्ट कर रहा है, और युवा कहीं मेरे ख्याल से तो कहीं भी रोजगार की स्थिति में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए महंगाई की बात कर लेते हैं आशीष जी, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, घरेलू गैस की कीमत बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? महंगाई और पेट्रोल, गैस और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, गैस और पेट्रोल। अब इस चीज को हम इसलिए ज्यादा विस्तार से, या तो चाहे ये मान लो कि भारत सरकार के अपने कुछ अधिनियम है, जिस हिसाब से सरकार के ऊपर एक मेंटेलिटी पावर होती है, उस हिसाब से सरकार ये रेट स्थगित करती है, रेट बढ़ते भी हैं, रेट घटते भी हैं, ये आर्थिक व्यवस्था है। पेट्रोल के दाम बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, चाहे पेट्रोल का व्यवसाय हो, चाहे सोने का व्यवसाय हो, चाहे किसी भी स्तर का व्यवसाय हो, ये एक आर्थिक स्थिति है। ये कोई सरकार या हम लोग तय नहीं करते, ये एक आर्थिक व्यवस्था है। इस पे दाम बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, आज अगर बढ़े हैं तो कल आर्थिक स्थिति के हिसाब से घटने के भी कारण। अवनीश जी हम आपसे पूछेंगे, आशीष जी का कहना है कि ये लगातार पेट्रोल गैस जो भी इन्होंने बताया, इन सब चीजों के जो रेट हैं वो बढ़ते हैं और घटते भी हैं, क्या ऐसा होता है? कितने परसेंट घट जाते हैं और कितने परसेंट बढ़ जाते हैं? अवनीश जी 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 अवनीश जी डीजल और पेट्रोल गैस के रेट बढ़ने सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हो रही है? सबसे ज्यादा देखिए, गरीब आदमी तो चलो चूल्हे का इस्तेमाल करता है जी, और आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है वो गैस का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जैसे मैंने अभी बताया, डीजल के दाम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहते हैं महंगाई के। जब जब डीजल के दाम बढ़े हैं उससे माल भाड़े का जो इजाफा, माल भाड़े का किराए का इजाफा हो जाता है, इसलिए हर चीज के हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। मैं एक मार्केटिंग स्टूडेंट हूं, मैं इस बात को और अच्छे से आपको बता सकता हूं। आप खुद देखिए ना, क्योंकि ट्रक ट्रक सब डीजल से चल रहे हैं, सब ट्रेनें डीजल से चल रही हैं, और पानी के जहाज डीजल से चल रहे हैं, किसानों के जो इंजन होते हैं जो पानी खेतों में लगाता है वो भी डीजल से चल रहे हैं। चलिए आशीष जी, अभी जैसे अवनीश जी ने कहा कि मैं MBA का छात्र हूँ जी, तो बड़े भाई को हम ठीक है नमस्कार करते हैं कि MBA के छात्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर रखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं डिबेट में कह चुका हूं कि युवा अपने हिसाब से
नौकरी या रोजगार तय करता है। नहीं, महंगाई की बात पे, महंगाई की बात पे रोजगार की बात मैं किए लेता जी, हूं। जी उसमें जी जी जैसे अवनीश जी ने कहा कि मैं एमबीए का छात्र हूं, लेकिन हमने इससे पूर्व में कह चुका हूं कि 95% युवा राजनीति की ओर अग्रसर है। बड़े भाई एमबीए के छात्र होने के बाद भी राजनीति के क्षेत्र में अपना पेशा और हुनर रखते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसी प्रकार से रोजगार युवा का मुद्दा नहीं है, युवाओं को जो अच्छा लग रहा है, युवाओं को जो पसंद आ रहा है, युवा उस चीज पे बात करते हैं। और रही बात रोजगार की, रोजगार या बेरोजगारी की और महंगाई की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो रोजगार और बेरोजगार और महंगाई का बात लेके अपना दुगदुगिया पीते। अमनीश जी, अमनीश जी देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि ये जैसे अपनी बात और बड़ा बता रहे हैं, 95% छात्र राजनीति की तरफ अग्रसर है। पहली बात तो सरासर बात गलत है, 95% बहुत होता है, आपको बता दूं युवाओं के लिए। 95% अगर छात्र राजनीति में हो जाएगा तो हर घर में राजनेता नहीं मिलेगी, नौकरी तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने बोला, मैं खुद राजनीति करता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ मैं कितने एग्जाम दे चुका हूँ, मैं सैकड़ों एग्जाम दे चुका हूँ कॉम्पिटिशन के। लेकिन जब सरकार नौकरी नहीं निकाल पा रही थी, और दूसरी बात मैं घर से भी एमबीए की ईयर क्या थी बड़े भाई आपकी? अरे भाई मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, नहीं मेरी बात तो सुनिए, मुद्दे पर आइए। चलिए अब आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, आशीष जी मेरा आपसे सवाल है, आशीष जी, अवनीश जी, मेरा आशीष जी मेरा आपसे सवाल है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो ये कहा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, कितना रोजगार मिल पाया है ये मुझे बता दीजिए आप, अभी तक कितना रोजगार मिल पाया? सरकार उज्ज्वल योजना, ग्राम स्वराज योजना, पहली बात मैं एक बार टोकना चाहता हूं, अवनीश जी, अवनीश जी, अवनीश जी, अवनीश जी, अवनीश जी मौका देंगे, अवनीश जी, अवनीश जी मौका देंगे, आशीष जी सरकार सारी योजनाएं लेके चल रही है। रोजगारी की बात है तो सरकार बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख भर्तियां निकालने वाली है, अभी पूर्व में भी निकाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो भर्तियां स्थगित कर दी गई। पुलिस शायद 2018 में पुलिस भर्तियां भी निकली थी और उनका चयन भी हुआ था, लेकिन अभी दो लाख भर्तियां निकालने की बात सरकार ने कही है और बहुत जल्द हम भर्तियां लेके आप सबके सामने होंगे। अच्छा, पुलिस पुलिस और टीचर के अलावा कौन कौन सी भर्तियां हुई हैं? अब ये सरकार की उपलब्धियां है, सरकार बहुत जल्द सारी भर्तियों का ऐलान करेगी और बहुत जल्द युवा, जो युवा बेरोजगार रूप में घूम रहा है वो युवा राजनीति में नहीं, राजनीति में कैसे? चलिए अवनीश जी अपनी बात रखिए आप। जी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सरकार की विफलता गिनाता हूँ, देखिए आपको पहली बात तो आप इनसे कोई रोजगार और महंगाई को लेकर कोई योजना सरकार की पूछ लीजिए, कोई योजना इनके पास नहीं होगी क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक योजना जैसे तैसे निकाली थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ठीक है, वो योजना का एक भी डिस्ट्रिक्ट में अमल हुआ हो तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आज की जानकारी रखते हो मुझे बताएं। तीसरी बात, मैं अपनी सरकार की बात करना चाहता हूँ अखिलेश जी, क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, समय कम है। सरकार की मैं इटावा का एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे मदर डेयरी का प्लान लगवाया, तमाम लोगों को यहाँ रोजगार मिला, लॉयन सफारी बनवाई, तमाम लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उन्होंने सरकार ने लॉयन सफारी खोलने के लिए बहुत, जब हम लोग आंदोलन किया तब उस लॉयन सफारी खोलने का काम किया। यहाँ पे सैफ मिनी पीजीआई बनाया जो सरकार ने, अखिलेश सरकार ने यूनिवर्सिटी बन गई है, उसमें तमाम नर्सिंग स्टाफ उन्होंने रोजगार देने का काम किया, जिला अस्पताल में तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया, ठीक है, और इसी प्रकार महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने जो आम फांसी लगती थी उसको हटाया, शिक्षा मुफ्त करवाई, मिड डे मील भी सरकार ने भरपूर उपलब्ध करवाई, ठीक है, और दवाइयां भी उपलब्ध कराई, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सैफई में और जिला अस्पताल में कितना सस्ता इलाज होता है, ये सब माननीय मुलायम सिंह नेताजी की देन है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। अवनीश जी, अगर आप बात करें माननीय नेताजी की, तो माननीय नेताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय नेताजी वास्तव में एक धरती पुत्र है, लेकिन बात करें आप इनके युवा मुख्यमंत्री जिन्हें विरासत में राजनीति में लिए, उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया है, केवल और अगर दिया भी है तो केवल परिवारवाद को, किसी भी अन्य व्यक्ति विशेष को कोई रोजगार नहीं मिला है। अगर विकास हुआ है, विकास के नाम पर यादवों का विकास किया है, विकास के नाम पर परिवार को सामर्थ्य किया है, और किसी का रोजगार नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार, गुंडई, राजनीति और इटावा को गुंडों का अखाड़ा बना के छोड़ दिया था,
माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हर जगह जगह कब्जे थे, जगह जगह गुंडे घूम रहे थे। आज इस सरकार में पहले पुरानी गंदगी साफ करने का कार्य किया जा रहा है। रोजगार युवाओं के बीच में बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द युवा अपने अपने सारे सब रोजगार से लगने का कार्य करेंगे। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं युवा। आशीष जी, अवनीश जी, बात रखी अपनी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि जितने भी नए उपक्रम खुले उसमें परिवार को काम देने के, वो परिवार वालों को नौकरी देने का काम किया। मैं जानना चाहता हूँ मदर डेयरी में आप जाकर देख लीजिए कितने परिवार के वहाँ पे समाजवादी को सैफी परिवार के लोग लगे हुए हैं। ठीक है, आप लॉन्स बार में जाकर देख लीजिए वहाँ कितने सैफी परिवार के लोग लगे हुए हैं। जी बोले अखिलेश यादव जी ने कोई काम नहीं कर पाया। लॉन्स बार में मदर डेयरी की बात तो आप तब कर रहे हैं जब ये ओपन हुई। उसके बाद आप भाजपा सरकार आने के बाद की बात कर रहे हैं। हम उससे पहले जब सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तावा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं बात उस समय की कर रहा हूँ। बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। अवनीश जी, देखा आगरा में किस पर 4 साल की बालिका का रेप हुआ जी, गुंडे ये सफाई कर रहे हैं या नारी शक्ति का ये हनन कर रहे हैं? नारियों को हमने किस प्रकार देखा? कुछ पूर्व में इटावा में एक घटना हुई नारियों के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, वो रात में 2 बजे जाके उसको बेटी को जलाया गया। क्या यही नारी सशक्तिकरण की बात है? और सुनिए पूरी बात, पहले बात रखने खत्म करने की बात करें ना। गुंडे होती थी ये सरकार खुलेआम संरक्षण दे रही थी उन लोगों को। आशीष जी आप इस बात में वहां है, कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी थे, योगी जी ने उनको अपने आवास पर रखा। बताइए एक बात को झुटला सकते हैं क्या? मंत्री गर्मा को शोभा देता है किसी अपराधी को, बलात्कारी को अपने आवास में रख के ये ऐसे गुंडे खत्म करेंगे? और दूसरी बात, प्लास्टिक सिटी हो रही है, वो तक बनाने का काम किया लेकिन सरकार ने, सरकार आते ही उस कार को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और समाजवादी सरकार ने हर पहलू पे एक्सप्रेस वे बनाया और हजारों ऐसे काम किए, मेट्रो बनाया, आगरा मेट्रो का लोकार्पण किया, एक्सप्रेस वे बनाया। चलिए आशीष जी, बस गिरी थी याद है आपका, एक्सप्रेस वे कैसे एक्सीडेंट होंगे वो तो। चलिए अवनीश जी बात रखने दीजिए। आशीष जी बात रखी है नारी सशक्तिकरण की जी। तो नारी सशक्तिकरण, पहले तो मैं सारी माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, रही बात नारी सशक्तिकरण की, तो भारत माता के लाल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण का नारा देकर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था। अरे अवनीश जी बात रखने दीजिए। आशीष जी कंटिन्यू। नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, और अगर नारी शक्ति एक आदि शक्ति का रूप है, नारी शक्ति को अगर किसी ने सच्चाई से पहचानने का कार्य किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और रही बात इन्होंने मुद्दा उठाया है बलात्कारियों का, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी में जो इन्होंने सेंगर साहब का मुद्दा उठाया था, पार्टी ने उन्होंने निष्कासित बाहर का रास्ता दिखाया था। और रेप अगर बात करते हैं या रेपिस्ट की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इनके में तो मुखिया ये कह देते हैं, समाजवादी पार्टी में मुखिया ये कह देते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो ये है इनके काम करने का तरीका और ये है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका। अवनीश जी, बच्चियों का, बेटियों का रेप होता है तो इनके सरकार के मुखिया ये कह देते हैं, एक सम्मानित और सुशोभित पद पर बैठे हुए मुखिया ये कह देते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। हमारे में तो उन्हें निष्कासित करके उन्हें सजा का प्रावधान दिया जाता है और जो कानून की विधभाषा में दंडवत कार्रवाई होती है उसका पूरा और पूरा पालन किया जाता है। अवनीश जी, तो आप नारी सशक्तिकरण की बात ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अवनीश जी बात रखी। सबसे पहले तो मैं दोबारा इनकी जनरल नॉलेज अपडेट करता हूँ आशीष जी की, जो कह रहे सजा देने का प्रावधान किया, सजा देने का प्रावधान किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं होता। ये आप सरकार को अवनीश जी को बात रखने दीजिए। डिस्कशन कर दिया जब विरोध हुआ, जो बेटी का बलात्कार हुआ हाथरस कांड में, आप सबने देखा, हम सब उस बात की गवाह है किस प्रकार पुलिस ने उस केस को दबाने के लिए। क्या यही आप जो कह रहे हैं कि वो आप बड़ी 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 बातें कर रहे हैं कि नारी का सम्मान, हमारा सम्मान, और ये सुनिए पहले बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सम्मान देने का काम किया ये सरकार। मेरे ख्याल से सबसे पहले जब सरकार आई थी कुछ ही महीने, कुलदीप सेंगर की, आपने सही बोला कि सबसे पहले सम्मान देने का काम किया। कुलदीप सेंगर जी को बहुत सम्मान मिला, जब विरोध हुआ तब पार्टी से निष्कासन किया गया। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे हजारों केस, ऐसे एक केस नहीं, ऐसे तमाम केस हैं। आपके वो पूर्व, मैं उनका नाम मुझे याद आ रहा है, नित्यानंद जी, पता नहीं क्या नाम था, जो पूर्व में गृह राज्य मंत्री रहे, उन्होंने किस प्रकार वीडियो तक उस बेटी को अपनी लीक करनी पड़ी कि किस प्रकार उस
मैं तो कह रहा हूँ बलात्कारी पुरुष, मंत्री नहीं कहूंगा मैं, बलात्कारी पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी पुरुष ने किस प्रकार से वीडियो इतना उसे प्रताड़ित किया, उसे अपने वीडियो तक लीक करने पड़े। एक नारी के लिए कितने शर्म की बात हो सकती है, कितनी प्रताड़ना वाली बात हो सकती है, उसे अपने वीडियो तक लीक करने पड़ रहा है, खुद रिकॉर्डिंग करी। ठीक है, ये आपके दो बड़े बड़े मंत्री की बात है। ठीक है, आशीष जी किस प्रकार सरकार ने केस को दबाने के लिए, केस को दबाने के लिए, केस को दबाने के लिए, केस को दबाने के लिए रात में 2 बजे हिंदू पार्टी होने का दम भरते हैं। किस प्रकार रात के 2 बजे उस बालिका का अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि सारे सबूत दब जाए, कोई उसके साक्षी न रहे। तो इस प्रकार सम्मान अगर दिया जाता है तो भैया आप ही को इस प्रकार का सम्मान हो रहा है, आपकी पार्टी को इस प्रकार का सम्मान, भारतीय जनता पार्टी पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप सुन ले मेरी बात, आपको जनता को बता देना चाहता हूँ, आप मैं आपको बता देना, मेरी बात को ध्यान दे दें, मैं आपकी बात को, आपने जो कहा है समाजवादी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं। आशीष जी बात रखने दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये ऐसा सम्मान देना चाहते हैं भारतीय नारियों को, मैं भारतीय नारी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि भारतीय नारी ऐसा सम्मान नहीं चाहती है, जहाँ बलात्कारियों को आशीष जी बोलने का मौका दिया जाएगा। आशीष जी रखिए बात, आप भारतीय नारियों की तरफ से कैसे बोल सकते हैं, या तो फिर आप उनके, फिर उनके भी ठेकेदार बन गए यहाँ बैठे बैठे। यही तो आपकी एक मेंटालिटी है कि आप खुले मंच से वो सब कह सकते हैं जो कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण का नारा उठाया, नारी को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। समाजवादी पार्टी सरकार में बेटियां खुलेआम चल नहीं पाती थी, स्कूल जाते समय डर लगता था, घर से बेटी अगर बाप अपनी बेटी को भेजता था तो उन्हें चिंता होती थी कि चौराहे पे खड़े समाजवादी पार्टी के गुंडे उनकी बेटी को प्रताड़ित ना करते। आज महिला हेल्प डेस्क लाइन हर थाने के अंदर मौजूद है, एंटी रोमियो स्क्वाड माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी है। समाजवादी पार्टी ने केवल काम किया है तो गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है, चाहे वो सैफई हो, सैफई महोत्सव में करोड़ों अरबों का खर्चा करके हर साल नंगा नाच नचाया जाता था। अब बात करते हैं युवा बेरोजगारी की, बात करते हैं बेटियों की, बेटियों के नाम पर केवल दरिद्रता का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के लोगों ने किया है। हमारे यहाँ के मुखिया, हमारे मुखिया, मैं प्रणाम करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं, इनके मुखिया कि अगर बेटी का रेप हो गया, अगर बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ है तो कह देते थे कि बच्चे हैं गलती हो जाती है, आज अंदर गया है कल बाहर आ जाएगा। मेरी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आजम खान जैसे दुष्ट और पापी आज जेल के अंदर बैठे हैं, टीके अहमद जैसे जेल के अंदर बैठे हैं, और अगर आगे भी बेटी के सम्मान में कोई खिलवाड़ करने का कार्य करेगा तो मैं उनकी तरफ से बोल तो नहीं सकता, लेकिन हर बहन का ये भाई ये कहने का वादा जरूर करता है कि जहां तक हम संभव मदद होगी, अगर अपनी बहनों के लिए हमें समय आना पड़ा, अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हर किसी को अपने ठेकेदार ना बने, हर मंच पर वही बात कहें जो बात वो कर सकते हैं। पिछली सरकार में गुंडई होती रही है, आप बकेवर डिग्री कॉलेज पता कर लें और ऐसे जाने कितने डिग्री कॉलेज अनगिनत हैं, नाम नहीं ले सकता, ना किसी बहन का नाम ले सकता हूं, ना किसी के भाई का नाम ले सकता हूं, लेकिन ऐसे दुराचारी और पापी लोगियों को मैं आपकी इस भारत टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी अगर ऐसे लोग, ऐसी गंदी भावनाएं वाले लोग अगर आज की डेट में भी है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी के अंदर है, जिन्होंने गुंडई, देखिए बात बात बेरोजगारी पे, चलिए समय कम है जल्दी से बात रख दीजिए, समय कम है जल्दी से बात। आशीष जी आपको रोकना चाहूंगा, समय बहुत कम बचा है, अवनीश जी बात रख लीजिए जल्दी से अपनी। सबसे पहले तो मैं इनकी बात बहुत जल्दी से रोकना चाहता हूं कि पहले तो अपनी भाषा को मर्यादित रखें, ठीक है, मेरी भाषा बिल्कुल मर्यादित। आशीष जी समय कम है, डिबेट का समय कम है। आशीष जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए आशीष जी आपका मौका आएगा, समय कम है आपका मौका आएगा। आपने खुद देखा 1090 का गठन किया, 1090 कितनी जल्दी बात रखी अपने अवनीश जी, देखिए सही में बात रख रहे हैं, नहीं आप अपनी बात रखिए, जल्दी बात रखिए, वाल में आने से जैसे हमारे आदित्य शब्द का प्रयोग हो जाता है, इस पे भी हम आपको बात। आशीष जी 1090 का जी। सरकार ने गठन किया, समाजवादी सरकार में अखिलेश जी ने 1090 गठन किया, ठीक है, 112 का गठन किया उस सरकार ने, क्या किया योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। और जैसे मैंने पहले बोला नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि हमारे योगी जी ने नारी सशक्तिकरण का काम किया, एक बलात्कारी को संरक्षण दे गए नारी सशक्तिकरण का, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई महिला। आशीष जी बात रखने दीजिए अवनीश जी, अब असली मुद्दे पे आते हैं, रोजगार और महंगाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक काम ही हमेशा मुद्दे से भटकाना, जिस पर हमने पूर्व में भी देखा
चुनाव आए वहाँ कहीं हमला करवा दिया, चुनाव आए कहीं ये करवा दिया, चुनाव से पहले कहीं कोई भी मुद्दा उठा दिया फालतू का, इस पर आप मुद्दे से भटकाना मेरा काम रहा है। अब ये मुद्दा आज की डिबेट जो था उसका मुद्दा था महंगाई और बेरोजगार जी। मैं शॉर्ट में आशीष जी जानना चाहता हूँ आशीष जी से कि एक कुछ योजनाएं बता दीजिए सरकार ने रोजगार पर कुछ काम किया हो, कुछ महंगाई के ऊपर योजना बता दीजिए सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कुछ काम किया हो जी। बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ बस कुछ योजना में चार चार योजना बता दें बस। अवनीश जी आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। मुद्दे पर आशीष जी, लेकिन पहले बस मैं अवनीश जी से कहना चाहता हूँ जो आपने कहा अपने मर्यादित भाषा रखिए। आशीष जी मुद्दे पर आइए, बेरोजगारी के मुद्दे पर आइए, जो सवाल किया है उस सवाल पर आइए आप। हमें बस एक बात कहने, आशीष जी जो सवाल अवनीश ने किया है उस सवाल पर आइए आप, भटकिए नहीं। सरकार की योजना, समय कम है, उज्ज्वल योजना, ग्राम स्वराज योजना, जनधन योजना, युवाओं तक कितना लाभ पहुंचा है इन इन योजनाओं के तहत? जितनी योजनाएं आज सीधी सापेक्ष जनता के सीधे सामने पहुंच रही हैं। धरातल कब तक कितनी पहुंच पाई है? 95-97% तक सारी योजनाएं धरातल पर हैं। और आज लोग अगला ये जो आया था ग्राम स्वराज योजना, ज्यादातर युवाओं को मिला है। उज्ज्वल योजना का हर घर में लाभ मिला है। और ये क्या नाम है उसका? चलिए डिबेट का समय कम बहुत कम बचा है, अवनीश जी अपनी बात रखिए। देखिए इन्होंने कुछ योजना का नाम बताया जी, हमने पूछा था महंगाई और बेरोजगार कम करने के लिए क्या योजना रही सरकार। मैं पूर्व में बता चुका हूं। आशीष जी अवनीश जी बात रखिए, डिबेट का खत्म करते हैं। उज्ज्वल योजना, कौन सा रोजगार पैदा हो गया, कौन सी महंगाई कम हो गई, दूसरी योजना बताई इन्होंने, कौन सी बताई थी आशीष जी, भूल गया फिर से बता दीजिए। अब आप याद रखिए, आपने पूछा है तो आप याद। ग्राम स्वराज योजना, पहली बात तो मैं तो बता देना चाहता हूँ, ग्राम स्वराज योजना ना ही रोजगार पैदा करने की कोई स्कीम है और ना ही महंगाई कम करने। सरकार बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द 2 लाख नौकरियां, 4 साल हो गए सरकार खत्म होने को, 15 साल लगातार पूर्व में रहे। अपनी बात सुनिए, चलिए एक लोग, अरे एक लोग बात रखिए अपनी जल्दी से, ठीक है, समय कम है। मैं फिर से ये पूछना चाहता हूँ, दोबारा अपना सवाल रिपीट करना चाहता हूँ, जब तक ये नहीं बताएंगे कि सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए कौन सी स्कीम, कौन सी योजना बनाई है, सरकार ने महंगाई कम करने के लिए कौन सी योजना, कौन सी स्कीम बनाई, वो बताइए। ये मां दुनिया की स्कीम मुझे नहीं जाननी है ना। ये सारी योजनाएं भारत न्यूज के दर्शकों को, जो आपने रोजगार और महंगाई कम करने, जो भारत न्यूज के दर्शक हैं, भारत न्यूज के दर्शक टीवी के जो दर्शक हैं, वो डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, कोई नहीं, आशीष जी आप जवाब दे दीजिए, बस समय कम बचा है। बिल्कुल, जितनी योजनाएं हैं सीधी जनता के पास पहुंच रही हैं। महंगाई रोजगार, महंगाई ये तो अर्थव्यवस्था के ऊपर है, महंगाई बढ़ती भी है, महंगाई घटती भी है, महंगाई के ऊपर मैं जाना चाहता हूं। अवनीश जी समय बिल्कुल लास्ट बचा है। नागरिक के ऊपर है अर्थव्यवस्था, आम आदमी करना चाहे तो सही कर देगा देश की। आम आदमी अगर करना चाहे तो आम आदमी सब कुछ कर सकता है। आम आदमी आज की डेट में आम आदमी अब कह कैसे रहे, यही समाजवादी पार्टियों का एजेंडा है। आप अपने आप को, नहीं, आप अपने आप को राजा और समाज को आम आदमी कह देते हैं, कैसे कह देते हैं? सर्व समाज एक है। हर भारत का हर युवा सामर्थ्य है, मतलब हर भारत का आम आदमी नहीं है, आम आदमी है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? हमने वो अपने 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 जो एजेंडा है युवाओं के पास, चलिए आप लोग फिर बेरोजगारी से भटक गए, मुद्दा था, समय कम बचा है। देखिए मैं फिर से, देखिए बेरोजगारी इस पर भटक गए, महंगाई इस पर भटक गए आप लोग। इनके पास कोई योजना ही नहीं है, ना रोजगार के लिए कोई योजना बनाई है, ना ही महंगाई कम करने के लिए योजनाएं बनाई है। 2-3 योजनाएं हैं भाई, हर डिबेट में देखा है, वो उज्ज्वला योजना गिना देते हैं, हर डिबेट में ग्राम स्वराज योजना गिना देते हैं, बस ये 2-3 योजना है, इसी को हर डिबेट में गिनाया जाता है, इसके अलावा कोई वो नहीं है। उज्ज्वला योजना भी मैं बता दूं कि आशीष जी की जानकारी के लिए, उज्ज्वला योजना जल्दी, बस एक मिनट बचा है, सिलेंडर दिया गया, उसके बाद आम आदमी खुद ही सिलेंडर भरवाना पड़ा, सिलेंडर की कीमत आप सब जानते हैं, ठीक है, और बाकी सच्चाई सबको पता ही है। सरकार ने 4 साल निकल के कहने जल्दी जल्दी योजनाएं निकलाएंगे, 4.5 साल हो गए, आधा साल 7-8 महीने हो रहे हैं, देखिए भैया कि और इतनी जल्दी करते हैं, 4 साल निकल गए। चलिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी डिबेट में आने के लिए। बड़ा सवाल बनता है, युवा सड़क पर है, युवा नौकरी के लिए घूम रहा है, कहीं उसे यहाँ जाना पड़ता है तो कहीं वहाँ, लेकिन नौकरी नहीं है। इसी के लिए हमने जो डिबेट रखी थी उसमें हमारे दो मेहमान मौजूद थे, आशीष मोहन शर्मा जी जो कि भाजपा नेता हैं, अवनीश जी जो कि सपा नेता हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू।